नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है और इस धर्म को मानने वाले लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। इसलिए हिंदू देवी देवताओं का मंदिर भी भारत के अलावा विदेशों में भी बनाया गया है और कुछ मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्व के तीन सबसे बड़े हिंदू मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। विश्व के तीन सबसे बड़े मंदिर में पहला नाम कंबोडिया के अंकोर में स्थित अंकोर वाट मंदिर का है। अंकोर का पुराना नाम यशोदरपुर था। इस मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी सम्मान दिया गया है। इस मंदिर के दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है और दीवारों पर देवताओं और असुर के बीच हुए समुद्र मंथन को भी दर्शाया गया है। यह मंदिर विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक है। साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और हिंदू सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। यह मंदिर 185 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और यह मंदिर 2023 में बनकर संपन्न हुआ। इस मंदिर का उद्घाटन महंत स्वामी महाराज जी ने 8 अक्टूबर 2023 को किया। इस मंदिर का डिजाइन भारत में तैयार किया गया था और इस मंदिर के निर्माण में लगने वाला पत्थर भारत और यूरोप से लाया गया था। इस मंदिर में करीब 10,000 देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी गई हैं। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 984 ईस्वी में हुआ था।